वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीअ, वही अल्लाह है जिसने जमीन में हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की है। यानी ये सब कुछ इंसान के लिए पैदा हुआ है। एक वैसे वो ज़ईफ रवायत भी है ना मुस्तदरिल हाकिम में नबी इस्लाम के बारे में कि अगर मैं तुझे ना पैदा करता तो ये कायनात पैदा ना करता। उसूल मुहद्दिसीन पे रवायत सही नहीं है, लेकिन प्रिंसिपली ये बात दुरुस्त है कि जमीन व आसमान ये सब चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की एज ए स्पीशीज। सूरह हूद में भी आता है, और इसलिए कि लियबलुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरतुल मुल्क में भी आता है ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि कौन तुम में से अच्छे अमाल करता है। तो यहां पे भी अल्लाह तआला फरमा रहा है कि हमने जितना कुछ जमीन में सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया। और देखें सर, हर चीज इंसानियत की खिदमत में लगी हुई है। आप किसी चीज का जिक्र करें, हम आपको साइंटिफिकली प्रूफ करेंगे कि वो इंसान की खिदमत में, सूरज इंसान की खिदमत में, सूरज की तपिश की वजह से समुद्रों का पानी एवेपोरेट होता है और वो बारिश की शक्ल में हम पे बरसता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में बर्फबारी होती है पहाड़ों के ऊपर, और वो स्टोरेज टैंक है अल्लाह के। वरना समुंदर से अगर आपको यहां पानी लाना पड़े 1000 किलोमीटर दूर तो मुसीबत ना बन जाए, तो वो फ्री में वहां से पानी पहुंच रहा है शिमाली इलाकों में, वहां पे ग्लेशियर्स, और फिर उसी सूरज की तपिश से वो ग्लेशियर पिघलते भी हैं। अगर आपको ग्लेशियर पिघलाने पड़ जाए तो कितनी एनर्जी चाहिए? आपके तो घर की गैस नहीं रोटी पकाने के लिए पूरी हो रही, उन ग्लेशियर्स को कौन पिघला सकता है? और फिर वो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो जमीन के ऊपर भी दरिया चलते हैं और जमीन के नीचे भी सोतों में दरिया चलते हैं। सैकड़ों तरबेला डैम के बराबर तो पंजाब सिर्फ जमीन से पानी निकाल रहा है, वो अल्लाह के बनाए हुए डैम है। अच्छा, फिर इस पानी के जरिए फसलें उग रही हैं, फसलें ना उगे जानवर नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते, ना जानवर जिंदा रह सकते हैं ना हम जिंदा रह सकते हैं अगर पानी ना हो और अगर सूरज ना हो। दुनिया में हवाओं का चलना, मौसमों का बदलना, हर चीज डिपेंडेंट है सूरज पे। सिर्फ सूरज खत्म हो जाए ना, खुद ब खुद सारी जिंदगी रूयर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि पौधे अपनी खुराक ही नहीं तैयार कर सकेंगे। जब पौधे मर जाएंगे जानवर भी मर जाएंगे, तो इंसान क्या खाएगा? मट्टी खा के जिंदा रह सकता है? खत्म। तो अल्लाह तुम्हारे जमीन में हर चीज मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है, और इसमें इंप्लाइड है कि तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। वो आगे चल के फिर दावत आ जाएगी कि ये जो प्रिविलेज ही नहीं सिर्फ दे दिए गए हैं कि लो जी जनाब याशी करो, नहीं, इसके अगेंस्ट मैं कुछ डिमांड भी कर रहा हूं। सूरह ज़ारियात में तो खुल के मज़मून आया ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया सवाए इसलिए कि वो हमारी इबादत करें, हमें माने नहीं सिर्फ इबादत करें। और इबादत का मतलब है अल्लाह को मानना और अल्लाह की मानना, टोटल ओबीडियंस। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ या मुस्तवी हुआ। फसव्वाहुन्न सब्अ समावात, और फिर आसमानों को 7 आसमान बना दिया। वहुवा बिकुल्ली शयइन अलीम, और वो हर चीज को अपने इल्म के जरिए घेरे हुए हैं। अब ये पूरा ब्रेकअप फिर आगे जाके सूरह हूद में, सूरह हामी में, सजदा में आएगा कि 6 दिनों में अल्लाह ताला ने जो है वो ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया और जितने रिसोर्सेज रखे। इसके ऊपर मेरा एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोडेड, आप देख सकते हैं। आज मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो ये जो इस्तवा इलस समा है, हम इसको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं कि जैसा कि उसकी शान के लायक है उसका बुलंद होना, इसकी कैफियत में हम नहीं पढ़ सकते, ये मुतशाबिहात में से। अब मेरे भाइयों, हमारे माँ बाप का जिक्र खैर शुरू हुआ चाहता है यहां से, ये है इंपॉर्टेंट रुकू। पहले 3 रुकुओं में तो अल्लाह ताला ने सब कुछ कवर किया, पहले इंसानियत की जो 3 कैटेगरीज हैं उनको एड्रेस किया, कौन कौन सी, मुमिन, काफिर और मुनाफिक, और उसके बाद कुरान हकीम को इस एतबार से पेश किया कि कोई किताब ऐसी पेश कर सकते हो तो पेश करो, तुम आजिज आ जाओगे, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। फिर इस किताब के पैदा, इस
को भेजने वाले ने और हमें पैदा करने वाले ने हमें क्यों पैदा किया, इस किताब को भेजने का मकसद क्या था। फिर बुनियादी बात से यानी चीज़ों का आगाज़ किया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, दो मौतें और दो जिंदगियां, और उसके बाद ज़मीन पे उसने तुम्हें बसाया है, ये मिरेकल प्लैनेट तुम्हारे लिए बनाया है, यहाँ पे अल्लाह ने इसको इस काबिल बनाया कि यहाँ पे तुम जिंदा रहो। और ये तो मैं मोटी मोटी अभी बातें कर रहा हूँ ना, ये तो एक घंटा बोला जा सकता है। साइंटिस्ट इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग, मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग सिर्फ अर्ज के ऊपर है, मिलियंस में, करोड़ों की तादाद में, उनमें से एक फाइन ट्यूनिंग भी डिस्टर्ब हो जाए ना, सिर्फ सूरज और जमीन का फासला डिस्टर्ब हो जाए ना, तब भी ये जमीन पे सारी मखलूकात तबाह बर्बाद हो जाएगी, या बहुत सर्दी हो जाएगी या बहुत गर्मी हो जाएगी, दोनों शक्ल में यहां पे कोई नहीं जिंदा चीज रह सकती। फिर यहां पे पानी, पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हर प्रॉपर्टी एक फाइन ट्यूनिंग है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फजा के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जो मिकदार है, फिर ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज, सिर्फ ऑक्सीजन ही आप खत्म कर दें सब कुछ खत्म, तो ये हर एक फाइन ट्यूनिंग है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, मसला नंबर 60, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में।